हिंदू धर्म में यूं तो सभी पर्व और त्योहार का विशेष महत्व व उपयोग बताया गया है, वैसे में सभी व्रतों का अपना अलग अलग महत्व व उपयोग भी है। ऐसे में आज हम आप सभी के बीच नवरात्रि के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नवरात्रि का जो त्योहार है वैसे पूरे एक वर्ष में चार बार आता है, जिसमें से दो प्रचलित है। प्रचलित कौन कौन से है? जो चैत्र नवरात्रि, जिससे हमारा वर्ष प्रारंभ होता है हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार व हिंदू पंचांग के अनुसार, या हमारा नौ वर्ष नया भारत वर्ष का जो समय का प्रारंभिक वेला है वह चैत्र नवरात्र का प्रतिपदा है, और दूसरा शारदीय नवरात्र। यह दो नवरात्र विशेष रूप से प्रचलन में है, और दो जो गुप्त नवरात्रि है वह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि, जिसमें हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। दूसरा जो गुप्त नवरात्रि है वह अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष, इसमें तंत्र मंत्र यंत्र आदि को सिद्ध किया जाता है। लेकिन गृहस्थियों के लिए बात किया जाए तो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र विशेष उपयोगी व फलदायी बताई गई है। ऐसे में आज मैं आप सभी के बीच उन 12 राशियों के लिए पूरे 9 दिन के लिए कुछ ऐसे उपयोग व कुछ ऐसे पाठ व स्तुति व मंत्र के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं, जिसको करने से 12 राशि के जातकों को उनके वर्तमान में चल रहे घटित हो रहे ग्रहों के बुरे प्रभाव से विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और सबसे पहले बता दो, इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 30 मार्च तक रहने वाली है, और इस वर्ष के नवरात्र की एक विशेष महत्व यह है कि यह 9 दिन की नवरात्रि विशेष योग और संयोग से भरे पूरे हुए, पूरे 9 दिन विशेष योग और संयोग बने रहेंगे। तो ऐसे में अगर 12 राशि के जातक के लिए मैं जो पाठ व स्तुति बताने जा रहा हूं, अगर वह उन्हें करते हैं शुभ वेला में घट को स्थापित करके, कलश को स्थापित करके, 9 दिन विधि पूर्वक पूजन करके उन उपायों को करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके वर्तमान समय में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह बिल्कुल समाप्त होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी है। जो मेष राशि के जातक परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस उपाय को करने से उनके परीक्षा व प्रतियोगिता में मन अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। यही नहीं, अगर मैरिज उनका नहीं हुआ है तो मैरिज का लाभ मिलेगा, और अगर कैरियर से संबंधित समस्या है तो उन्हें इन बिजनेस व व्यापार संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। उपाय क्या करना है? सुबह प्रातः वेला उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर शौच वस्त्र पहनना है और अखंड ज्योति घर में प्रज्वलित करना है, और विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती हो तो आप हिंदी का पाठ करें, और यह भी नहीं हो सके तो आप किसी सुयोग्य पंडित जी के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, या फिर आप जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिरोज पाठ करें, पूरे 9 दिन पाठ करें। इस प्रक्रिया से आपके रुके हुए कार्य सफल होंगे। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए वे शिक्षा के दृष्टि से वह यह नवरात्र विशेष फलदायी रहने वाली है। इस राशि के जातक का 9 दिन नवरात्र में माता का आगमन इनके लिए विशेष रूप से फलीभूत है, और इन्हें भी कहीं ना कहीं परीक्षा इत्यादि में विशेष सफलता मिल सकता है, इनके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए पूरे 9 दिन दुर्गा चालीसा का 3 पाठ करना विशेष फलदायी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को भी नवरात्रि के 9 दिन घी का जोत प्रज्वलित करके दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिरोज 3 या 5 बार करना विशेष रूप से फलदायी होगा। ऐसा करने से जो अविवाहित पुरुष व कन्या है उनके विवाह में शुभ फल मिलेगा।
जिन शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में कटुता रहता है वह संतान के सुख से वंचित है, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा और करियर में पद और प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि कैसे रहने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातक अगर 9 दिन नवरात्रों में माता की ज्योति में 2 लौंग का जोड़ा अर्पण करते हैं, जो अखंड ज्योति चलता है उसमें 2 लौंग का जोड़ा प्रतिरोज अर्पण करते हुए माँ भगवती की कपूर से आरती करते हैं, लौंग युक्त कपूर से आरती करते हैं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इस पाठ के करने मात्र से उनके जीवन में जो वर्तमान समय में समस्याएं बनी हुई है वह समस्या दूर होगा और मन अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातक अगर नौकरी की तलाश में भटक रहे हों व संतान के सुख से वंचित हैं तो उनके लिए उपाय यह है कि 9 दिन नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाएं और देसी घी की ज्योत से लाल बत्ती की आरती भगवती की करें और उसमें 2 लौंग और 1 इलायची डालकर भगवती की आरती करें और इनके लिए ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करना विशेष फलदायी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ करना चाहिए। कन्या राशि के जातक पूरे 9 दिन अगर किसी लंगूर को सेव या केला खिलाते हैं पूरे 9 दिन नवरात्र में और साथ में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके भगवती के चरणों में शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरो देवी नारायणी नमोस्तु इस मंत्र का जप करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। यह जो मंत्र हैं जो स्तुति हैं वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो कन्या राशि के जातक के भी मंत्र उनके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को यह उपाय करने से सरकारी पद प्रतिष्ठा की अगर तैयारी जो कन्या राशि के जातक कर रहे हैं उनको यह उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा और खास करके विवाह व संतान के दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए क्या करना होगा। तुला राशि के जातक प्रतिरोज स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती को शहद और घी का भोग लगाएं, अखंड ज्योति जलाएं घर में और दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करें। 1 विंदेश्वरी चालीसा का पाठ करने से उनके जीवन के रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे, उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातक पूरे 9 दिन घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके भगवती की उपासना करते हैं, गुण व शहद का भोग लगाते हैं भगवती को, तो इनके जीवन के जो भी अमंगल हैं वह दूर होंगे और मंगल की प्राप्ति होगी और हर एक प्रकार से इन्हें विजय की प्राप्ति मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातक को भी घर में अखंड ज्योति देसी घी का अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए और इसके साथ साथ भगवती की उपासना करना चाहिए। नवारण मंत्र का जप इनके लिए विशेष फलदायी हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो वृश्चिक धनु राशि के जातक पूरे 9 दिन नवारण मंत्र का जप करें उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरे 9 दिन तिल का तेल व सरसों का तेल का दोनों में से किसी एक तेल का ज्योत प्रज्वलित करना और साथ ही साथ इन्हें कपूर लौंग और जो धागे वाले मिश्री होती है उसकी और इलायची की प्रतिरोध अग्नि में आहुति देने से यानी कि इसका बलि देने से विशेष लाभ मिलेगा। इनके जीवन के सभी प्रकार के अढ़ैया साढ़े साथी और शनि के बुरे प्रभाव से लाभ मिलेगा, साथ ही साथ इनके वैवाहिक जीवन में संतान के सुख में हर एक प्रकार से उन्हें कहीं ना कहीं उन्नति व लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातक को प्रतिरोध भगवती के चरणों में हल्दी का तिलक अर्पण करना चाहिए और अखंड ज्योति के साथ सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष रूप से उन्हें उनकी कामनाओं की विशेष कामनाओं की पूर्ति होगी।
तो ये रहा आज के नवरात्र के ऊपर 12 राशि के जातकों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रक्रिया। और इससे अलग हम बात करें तो सभी जातक पूरे 9 दिन ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते मंत्र का विधि पूर्वक जप करते हैं तो उनके जीवन की सभी अरिष्ट बाधा दूर होती है और सदैव मंगल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तों से, माता के सभी भक्तों से यह प्रार्थना है, आग्रह है कि आप सभी भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने अपने राशि के अनुसार यह उपाय करें। निश्चय ही इस उपाय के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और इस वीडियो के साथ आप सभी को नूतन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से यह प्रार्थना है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय सियाराम।